इमेज पोजिशन करिस्पॉन्डिंग टू इमेज डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर फ्रॉम दफ़ द रोड ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें सिर्फ हमें रिफ्रैक्शन का फॉर्म का यूज करना है सो वी नो मू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू दू म्यू ट्यू माइनस म्यू वन बाई आर आर का वैल्यू इसमें दिया है आर पॉजिटिव डायरेक्शन में सो म्यूटी का वैल्यू हो जाएगा क्वेश्चन में दिया डिवाइड बाई बी माइनस म्यू वन हो जाएगा हमारा एयर में है तो ये वन हो गया क्योंकि म्यू ऑफ एयर इज वनवाइड बाई इज सिक्स

वैल्यू डालते हैं यू का यू का वैल्यू तीन केस के लिए दिया हुआ है यू इजल टू माइनस ट्वेंटी माइनस टेन एंड माइनस थ्री तो फर्स्ट केस में जब यू हो जाएगा माइनस ट्वेंटी तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो इस इक्वेशन इस को हम मान लेते हैं इक्वेशन ए इक्वेशन ए।, ए में जब वैल्यू पुट करेंगे यू का फर्स्ट केस के लिए तो वन पॉइंट फाइव बाई वी इज इक्वल टू वन बाई ट्वेल्व माइनस वन बाई ट्वेंटी हम इसे सॉल्व करते हैं तो जो v का वैल्यू है वो हो जाएगा प्लस फोर्टी फाइव सेंटीमीटर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आता है फिर हम सेकेंड पार्ट के लिए देखते हैं दैट इज पार्ट टू यानी कि U का वैल्यू माइनस टेन तो फिर से हम वही इक्वेशन यूज करेंगे इक्वेशन A में ये वैल्यू पुट करेंगे U का तो अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो जो U का आंसर आता है दैट इज इक्वल टू दैट इज़ इक्वल टू इसको सॉल्व करें तो दैट इज 90, 90 सेंटीमीटर आ जाएगा माइनस नाइंटी अब हम इसका थर्ड पास सॉल्व करते हैं यू का वैल्यू जो है वो है माइनस थ्री एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वन पॉइंट फाइव बाई वीवल टू वन बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई माइनस टेन वही इक्वेशन ए लगा दिया इसमें तो जो वी का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा माइनस सिक्स सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का